यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? मिनट यार, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। करते हैं, है ना? नहीं, बढ़िया यार, ऑल गुड। मिनट, अपलोडिंग द पीडीएफ। यस, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट लाइव क्लास, ओके। ये जीके है, तो सीमेट के लिए जीके है, ठीक है। यस यार, गुड आफ्टरनून, ओके। फिर स्टार्ट किया जाए। चलो फर्स्ट की पोलिंग। बर्ड्स आई चिली इज द ज्योग्राफिकल एंड जी आई टैग प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट? ओके, तुम लोग पता था, गुड। देखो ये क्या है, सो बर्ड्स आई चिली इज द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जी आई टैग मिला है इसको, ठीक है। ये बेसिकली मिजोरम का है, ओके। और ये क्या है ना, ये बेसिकली ये एक्सपोर्ट करेंगे, ये यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये यूएस को एक्सपोर्ट करेंगे, और इसको इसको ना इसको बोलते हैं काइंड ऑफ, वो क्या बोलते हैं उसको, बर्ड्स आई चिली होता है ना, ठीक है। तो तुम्हारा इसको मिजो चिली भी बोलते हैं मिजोरम में, मिजो चिली, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक बर्ड्स आई चिली को यूएस एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं कैसे कुछ होता होगा, टेस्ट करता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये लोग इसको क्या करेंगे, इसका आंसर है मिजोरम। तो मिजोरम इज द आंसर, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ओके। तो कुछ भी अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो इम्पोर्टेंट ही है, ओके। और सेकेंड चीज यहाँ बेसिकली क्या है कि मिजोरम के साथ साथ, यहाँ कुछ मिजोरम का ध्यान रखना, मिजोरम के कुछ स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो मिजोरम में तीन बहुत फेमस फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन स्टैटिक जीके, ठीक है।
तो स्टैटिक जीके तुम्हारा ये आएगा, ठीक है? हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता कब साइन हुआ। अभी तो मार्च में ही तो पढ़ रहा था, मार्च में ही तो पढ़ रहा था, रिसेंटली हुआ है, मतलब इसी मंथ में हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है ना, इसका कुछ कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, एक इसका मीम कुट फेस्टिवल है, बहुत एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, मीम कुट। देन इसका एक और फेस्टिवल है पॉल कुट और चापचर कुट, पॉल कुट और चापचर कुट, ठीक है? ये तीन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मतलब स्टडी दिखेगा, ये तीन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मिजोरम के, मीमकुट, पॉलकुट, चापचरकुट। मिजोरम का कैपिटल क्या है? तो मिजोरम का कैपिटल क्या है, बताओ कैपिटल मिजोरम? मणिपुर का इंफॉल है, आइजोल, ठीक है? सो मणिपुर का मिजोरम का कैपिटल क्या है, आइजोल, ठीक है? सो आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, ओके? तो ये मिजोरम के बारे में हम ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है? जैसे तुम्हें पहले बताया था कि आसाम का फेमस फेस्टिवल क्या है, बिहू डांस, है ना? तो बिहू फेस्टिवल आसाम का फेमस फेस्टिवल, आसाम भी याद रख सकते हो, ओके? ग्रेट। अगला सवाल, यूनिक आइडेंटिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूएडीआई, इज ए स्टैटूटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये होता है, ओके? अब पोलिंग करो इसकी, ठीक है? तो अभी ये न्यूज में इसलिए आया था कि अभी यूआईडीए बहुत न्यूज में था अभी, देखो तो यूआईडीए काफी न्यूज में था अभी, ठीक है? न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये आपका क्या बोलते हो, जो मिनिस्ट्री, ये इन्होंने क्या किया है, कुछ आधार का न्यू मैकेनिज्म बनाया है, ठीक है? तो कुछ फिंगर बेस्ड इनका ये होता है, तो दे हैव मेड अ न्यू मैकेनिज्म फॉर आधार, ओके? तो आधार के लिए इसलिए न्यूज में थे, फिंगरप्रिंट ऑथोरिजेशन का एक नया मैकेनिज्म, न्यू सिक्योरिटी बोलोगे, इसे एक न्यू सिक्योरिटी बनाया है इन्होंने, ठीक है? UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके? हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो बोलोगे ये जो मिनिस्ट्री है ये अश्विनी वैष्णव के पास है, ठीक है? सो अश्विनी वैष्णव, हालांकि तुमको पता होना चाहिए कि अश्विनी वैष्णव यहाँ पे तीन मिनिस्टर संभाल रहे हैं, ठीक है? तीन मिनिस्ट्री, तो इनके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, ओके? अश्विनी वैष्णव इसके मिनिस्टर है, और ना ये यहाँ पे तीन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, तो फर्स्ट मतलब मिस बेस ये तो यही हो गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका हो गया फर्स्ट मिनिस्ट्री, ठीक है? सेकेंड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं रेलवेज, एंड थर्ड संभाल रहे हैं ये कम्युनिकेशंस, ठीक है? तो सेकेंड संभाल रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है? एंड थर्ड संभाल रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है? तो इनके पास तीन मिनिस्ट्री है, किसके पास, अश्विनी वैष्णव के पास, ओके? फाइन। व्हिच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड ए जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, किसको मिला? देखो ये बेसिकली अवार्ड होता है, ये जीएसएमए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस अवार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है? मॉक में 70% आ रहा है, किसके मॉक में आ रहा है? सीमेंट, क्या कर रहा है सीमेंट के मॉक पे, तो देखो ना, देखो सीमेंट के पेपर तो आसानी आता है ना, ठीक है? सीमेंट को अलग से टारगेट किया करो, मतलब देखो जो सीमेंट का जो टारगेट करने का तरीका क्या होता है ना, कि देखो यहाँ पे ना माइक्रो सेक्शन बना कैसे एग्जाम को टारगेट किया करो, तो बताया है 20 questions जीके से आएंगे, 20 questions इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आएंगे,
20 क्वेश्चंस यहाँ पे कौन से आएंगे, 20 क्वेश्चंस एलआरडीआई से आएंगे, है ना, और डाउट के 20 क्वेश्चंस से वर्बल से आएंगे, ठीक है। अब इसको पुट करो, इसको पिक करो, इन ये दोनों, अब तुमको पता है कि 99.5 कितने परसेंटाइल में आएगा बताओ, मतलब वही एलआर कहने का मतलब, एलआर बोलने का मतलब है, ठीक है। तो तुमको तुमको पूरा पूरा एग्जाम 300 पूरा पूरा एग्जाम 400 नंबर का है, तो ऑल अराउंड अराउंड ना तुम्हारे जो 100 क्वेश्चंस हैं तुमको अराउंड 80 क्वेश्चंस यू हैव टू मेक इट टारगेट, ठीक है। तो 80 क्वेश्चंस का टारगेट करना पड़ता है तुमको सीमेंट में, जो 80 क्वेश्चंस का टारगेट है, तो ये 80 क्वेश्चंस का टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई करो कि जो वर्बल सीमेंट का वर्बल इज रियली इजी लेवल, ठीक है, ये बहुत इजी लेवल का वर्बल होता है, तुमको बिल्कुल यहाँ पे ना 18 क्वेश्चन बनने चाहिए सीमेंट में, वर्बल में इजी होता है देखोगे तो, ठीक है। एलआर आल्सो प्रीटी इजी, सीमेंट के एलआर आल्सो वेरी इजी, 16 टू 17 क्वेश्चन लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं वर्बल में, एलआर में, ठीक है। क्वांट थोड़ा सा, अगर तुम क्वांट में क्या हो ना, क्वांट में सीमेंट में अगर तुमको 20 क्वेश्चन में अगर तुम 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, जो 4 से 5 क्वेश्चन हर एवरेज थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, तो 14 to 15 मार्क्स तुम आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो क्वांट में, ठीक है। बट क्वांट में तुमको वो 5-6 क्वेश्चन को लीव करना बहुत जरूरी है, नीड टू लीव दैट 5 क्वेश्चन। अगर तुम्हारा क्वांट स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो सारे 20 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुमने कैट के लिए पढ़ाई की है तो सीमेंट का लिटरली तुम्हें हलवा लेगा सीमेंट का क्वांट, ठीक है। बट जिसका क्वांट थोड़ा वीक है, अगर वो 5 क्वेश्चन लीव कर दोगे ना, तो 14 से 15 आप टारगेट आराम से कर लोगे, 14 टू 15 ना बिल्कुल इजी लेवल का होता है, मतलब इजी मींस इजी होता है, टफ भी नहीं होता है, मीडियोकर भी नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद ना तुमको यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा 20 क्वेश्चंस, और ये तुम्हारा ये थोड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे गलतियां बनने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रह जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे क्या होता है ना कि अगर हम यहाँ पे इन तीनों सेशन में मिला के अगर हम 48 to 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, 40 to 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 40 में से ना यहाँ पे 30 कर लेते हैं, 30 का टारगेट होता है यहाँ के ना, मतलब आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन वी कैन टारगेट 30 क्वेश्चन ये दोनों मिला के, ठीक है। तो ये तुमको इस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके, कि तुमको इस तुमको ना यहाँ पे आगे आगे बढ़ना पड़ेगा इस लेवल में 30/40, यू नीड टू स्कोर अराउंड 80 का अराउंड टू ओवरऑल टारगेट होना चाहिए, ओके, बहुत जरूरी है। कोई ना नंबर सिस्टम का मैं बैच स्टार्ट किया, क्लास स्टार्ट किया था, आज तो मोस्टली इंट्रो ही था, इंट्रो था, प्लानिंग था, कल से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में जल्दी, 1 घंटा पढ़ाया था, 1 घंटा प्लानिंग ही करे थे। तो तुमको ना इस तरीके तो अपना अपना तुम्हारा मैक्सिमम सेक्शन कहाँ पे आ रहा है, तो अब तुमको इसको टारगेट करना पड़ेगा वर्बल में, एकदम ट्राई करो कि 18 नंबर आना चाहिए इसमें, आना चाहिए इसमें, आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तुम आना चाहिए। और सीमेंट सीमेंट में ना बिल्कुल हाई एम करो, ठीक है। और सीमेंट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर अच्छा नहीं आया तो फिर रिपीट कर लेना, ठीक है। सीमेंट में ना सीमेंट में 93-95 जाके फायदा नहीं आता, फर्स्ट परसेंटाइल आके यू वोंट गेट गुड कॉलेज, ओके, उससे बेटर है कि और अपना अच्छा पेपर ना के रिपीट कर लें। सो अगर तुमको लाना है सीमेंट में, ट्राई टू गेट 96-97 प्लस, ठीक है, कि एटलीस्ट कम से कम टॉप 10 में JBIMS मिल जाता है, कम से कम इधर सिमसरी मिल जाए, वेलिंकर मिल जाए, कुछ ढंग का ऐसा मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे जिसका 10 लाख एवरेज 12 लाख एवरेज आ जाएगा, सीमेंट का कम आ रहा है तो छोड़ देना। सीमेंट एक ऐसा एग्जाम है कि 90 से नीचे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मतलब मैं यही बोलता हूँ कि डोंट ज्वाइन बिलो लेस देन 90 सीमेंट में, अगर आपका स्कोर लेस देन 90% आ रहा है, ठीक है, डोंट ज्वाइन, ज्वाइन मत करो, बेटर है कि रिपीट कर लो, क्योंकि इसका क्या होता है ना कि अगर आप लेस देन 90% मान लो सपोज तुम किसी कॉलेज में जाओगे, हाँ, तुमको सीमेंट में तुमको 80 तुमने ज्वाइन कर लिया सीमेंट को 80-90% आई में, ठीक है, तुम्हारा ना जिस कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, देखो कंपनीज तो वही रहती है, अब बोलोगे जो कॉलेजेस हैं IIMTs वगैरह है, नागपुर है या ये सब है, कंपनीज तो वही आती है। जैसे मान लो कि इन कंपनी में रिलायंस आ रहा है प्लेसमेंट करने के लिए, ठीक है, तो रिलायंस आपको यहाँ पे लेगा S5 लेवल पे लेगा, ठीक है, S5 के लिए, सॉरी इसका तो अच्छे लेता है, S8 या S9 लेवल पे लेगा, लेवल होता है वहां पे, ओके। और अगर आपने 1 साल ढंग से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, और एटलीस्ट अगर आप 90 या कैट में या जैट में या स्नैप में किसी 95 प्लस भी ले आए, ठीक है, तो उसके बाद जो कॉलेज जो Tier 2 जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, नॉट Tier 1, मैं IIMAB से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर Tier 2 कॉलेज में रिलायंस आएगा ना, तो यहाँ पे ना वो S6 या S5 लेवल पे हायर करता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब कंपनी ये काम करती है। तो ये ना ये 3 ग्रेड ऊपर पहुंच जाते हो, तुम 3 ग्रेड ऊपर पहुंच जाते हो जस्ट 1 साल के प्रिपरेशन से, अपना बैकलॉग थोड़ा अपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है।
अदरवाइज अगर तुम इस कंपनी में एसेट टू एसेट जाने का ट्राई करोगे ना, तो कम से कम तुमको 7 से 8 साल लग जाएगा। इट विल टेक यू 7 to 8 years एटलीस्ट। तुमको 3 प्रमोशन मिल गए, तुमको पहले एसेट से A7, बहुत अच्छा काम करोगे, नॉर्मल तुमको लगेगा 3 साल एक प्रमोट होने में, अगर 1 साल हो गया, अगर बहुत अच्छा काम है 2 साल लगेगा, ठीक है। तो अगर तुमने एकदम सुपर सुपर इंप्लॉय हो तुम, तो तुमको 3 साल 2 into 3 6 years लगेगा, नॉर्मली तुमको 7 से 8 से 9 साल लग जाएगा। तो जो तुम्हारा 7 से 8 साल का जो तुम्हारा करियर का गैप है, तो उसको बस 1 साल में बस पढ़ के क्लियर कर सकते हो। तुम 1 साल अच्छे से पढ़ लो, अपना कॉन एलआरडी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, वर्बल स्ट्रॉन्ग कर लो, कि एटलीस्ट कैट जैट जैसे एग्जाम में आपको एटलीस्ट 95 के अराउंड ही आ जाए, 99 नहीं है 95 ही आ जाए, या आपके स्नैप वगैरह में भी आपका एटलीस्ट 97+ आ जाए, है ना, या एनमैट नारसी मोहनजी के एनमैट एग्जाम में आपका 240 आ जाए। तो ऐसा कुछ भी कर लो, ओके, तो आप पहुंच जाओगे सीधा, आपका आप अपने अपने में करियर को 7 से 8 साल का जंप दे दिया है, ओके। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, इन चीजों को समझना, ओके। न्यू बेबी है भाई तुम्हारा कैट में, देखो इट्स लाइक टीयर वाइज डिफाइन करो ये कॉलेजेस को, तो IIM ABC ये सब तुम्हारा टीयर 1 कॉलेज आ जाएगा, टॉप 15 कॉलेज टीयर 1 में आते हैं, सब में कंपनी सेम पैकेज पे आती है। मतलब मान लो अगर कंपनी जैसे ITC जैसे कंपनी है, वो अगर IIM A में जा रही है तब भी वहाँ पे 32 लाख का पैकेज लेके जा रही है, अगर वो FMS में जा रही है तब भी वहाँ पे 32 लाख का पैकेज लेके जा रही है, अगर वो IIM इंदौर में आ रही है, इंदौर में 32 लाख का पैकेज लेके जा रही है, सब पे सेम लेवल है। तो कंपनी डिफ्रेंशिएट नहीं करती टॉप 15 कॉलेज में। अगर वो MDA में जा रही है तो वहाँ ही 32 लाख का पैकेज लेके जा रही है, ठीक है। अगर वो SP जैन में जा रही है तो वहाँ भी सेम। तो कंपनी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, ये कंपनी इन सब पर लेवल सब सेम लेवल मानती है। ऐसे करीब करीब टॉप 15 कॉलेज हो जाते हैं, ओके। IIM ब्लैकी, IIM एक्सेलराइड दिल्ली, एक्सेलराइड जयपुर, हाँ MDI, SP जैन, IFT दिल्ली, ऐसा करके ना 15 कॉलेज जो आपके टीयर 1 कॉलेज होते हैं, बिल्कुल टॉप टीयर कॉलेज, A+ बोलोगे उनको, ठीक है। उसके बाद फिर टीयर ए के कॉलेज आते हैं, टीयर ए में आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये भी अच्छे कॉलेज होते हैं, लाइक ITI दिल्ली हो गया, ITI बॉम्बे हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका तुम्हारा ये निटी हो गया, ओके, ऑल दिस, IIM उदयपुर भी अच्छा कर रहा है, उदयपुर आ जाएगा इसमें, हाँ। देन तुम्हारा SIBM पुणे आ जाएगा, SCMHRD आ जाएगा, काफी अच्छे कॉलेज हैं सब भी, ठीक है। यहाँ भी काफी अच्छा प्लेसमेंट देती है, मतलब आराम से 25 लाख का पैकेज यहाँ मिल जाता है आराम से। उसके बाद फिर टीयर 3 कॉलेज आते हैं, जब तुम्हारे 93-95 में आ गए, ओके, या टायर B कैटेगरी डाल लो उनको, IIMTs हो गया, जहाँ पे भी जाकर तुम IIMT वगैरह में हो, IIMT है, न्यू IIMs हैं, ओके, IITs हैं, IIT रुड़की वगैरह ऐसे हो गए, तो ये सब तुम्हारा टूंगा, तुम्हारे यहाँ भी 15 लाख के आसपास प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं NICAT 88-90 वाले कॉलेज, परसेंटाइल वाले कॉलेज, वो टीयर C के कॉलेज हो गए, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ग्रेड, जैसे टैपमी हो गया, IIM काशीपुर हो गया, IIM संबलपुर हो गया, ये सब में ऑलमोस्ट सेम ही जाता है पैकेज, IIT जोधपुर हो गया, ऐसे करके ना नीचे होते जाता है। तो बहुत सारे लेवल के कॉलेज होते हैं, तो आपको एम करना है, अगर सीमैट में लाना है तो सीमैट में अगर 97+ ला रहे हो, और ट्राई करो 97+ लाने का, ला सकते हो सीमैट, तो बड़ा बात नहीं है। अगर सीमैट में 97-96+ नहीं ला रहे हो तो फिर छोड़ दो, जस्ट रिपीट फॉर 1 ईयर, और आप अपने लाइफ को 7 से 8 साल का एक जंप दे सकते हो, ठीक है, बहुत जरूरी है, ओके। इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज करके कोई फायदा नहीं होता, अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल ट्राई करेंगे, अच्छा हाई परसेंटाइल लाएंगे, काफी अच्छी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बट अगर नहीं आएगा तो फ्लेक्सिबल रहेंगे, स्टबर नहीं होना है कि सर हमसे नहीं हो रहा है, सर हमसे पढ़ाई नहीं किया रहा है, सर वो कॉन्ट नहीं आता है, ऐसे स्टबर नहीं रहते हैं, डोंट बी स्टबर, ओके। सीखने का टाइम है, फिर सीखने का आप लोग का एज है 22 इयर्स, 20 इयर्स, 24, 25, सब का इसी के आसपास एज होगा। अभी के टाइम में अगर एक अपने अंदर एटीट्यूड डालोगे कि मैं, तो तुम्हारे अंदर गिव अप का एटीट्यूड आ जाएगा, तो कैसा काम चलेगा, गिव अप का एटीट्यूड आ जाएगा तो अभी नहीं आना चाहिए, नहीं एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अभी तो लर्न सीखने का उम्र है, ठीक है। अभी लर्न करो, अपने वीकनेस पे वर्क करो, अपने चीजों पे जो तुमको टफ लगता है, वर्बल या क्वांट या एलआरडी, उनको सीखने पर टाइम लगाओ, ब्रेन का पावर इंक्रीज होगा, सॉल्विंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ेंगी यहाँ पे, ओके। तो ये सब चीजें ना मैटर कर जाती है, मतलब अभी अभी जस्ट तुमको पता है कि सारे MBA कॉलेज प्लेसमेंट का सीजन चल रहा है, ठीक है, अब वही हो जाता है, मैंने बहुत लोग को मना किया था, अब अभी मुझे ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं कि सर मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। अब ना बहुत लोगों कैट में अच्छा नहीं आया था, उसमें पता है 2-3 लोग ना जाके ICFAI हैदराबाद ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है, ICFAI है ना, IBS हैदराबाद, IBS, ओके, यहाँ से MBA कर लिए थे, अब वहां से MBA करने 2-3 लोग का वहाँ 6-7 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है। अब बोले सर मेरे को ना क्या, सर क्या करें, अब मैसेज कर दूंगा उसके बाद कि सर कैसे करें क्या, अब मैंने उनका व्हाट्सएप चैट देखा,
दो साल पहले व्हाट्सएप चैट किया था, मैंने उनको मना किया था कि मत ज्वाइन कर लो, प्रिपेयर कर लेना ठीक है, उन्होंने बात नहीं मानी। अब ज्वाइन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, उन्होंने दो साल मुझे व्हाट्सएप किया कि सर कुछ आप स्किल करते हैं, बहुत कम पैकेज इन हैंड, मेरे को 40-50,000 रुपीज मिल रहा है, लोन भी पे करना है, बहुत मेरे को इशू लग रहा है सर। और उसी के बैच में जो नेक्स्ट ईयर लोग थे वो लोग अच्छा नहीं किए, जिसको कैट में 70 से 75 बैठाया था, वो लोग अच्छा करके कैट में, उन लोगों का समर, उन लोगों का भी तो फर्स्ट एक ही साल खत्म हुआ है, उन लोगों का समर इंटर्नशिप लगा 1 लाख पर मंथ का ठीक है, इनका पूरा पैकेज लगा प्लेसमेंट 7 लाख का, इनका खाली समर इंटर्नशिप लगा 1 लाख पर मंथ का ठीक है। तो वही सब डिफरेंस हो जाता है लाइफ में कि जब थोड़ा सा ना पेशेंस, परसिवरेंस, हार्डवर्क, बहुत चीजें अंदर अपने डेवलप करनी पड़ती है। ओके, तो थोड़ा समय दो, टाइम दो, अच्छा सीखो, जो आप इतना सीमेंट का इतना अच्छा प्रिपरेशन करोगे और वैसे आपको कैट में भी हेल्प करेगा है ना, क्योंकि सीमेंट ये सारा सिलेबस तो कैट में भी है, तो आसान आसान चीजें पढ़ते रहोगे तो उसका बिल्डअप करना इजी होता है। ओके, इसलिए सीमेंट में स्टबर्न नहीं होना, अच्छे पढ़ाई करो, 97, 96, 96, 98 लाओ, नहीं आता है तो फिर फ्लेक्सिबल रहो पढ़ने के लिए भी, जैसे डोंट बी स्टबर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जो भी पढ़ो सब फायदा करेगा, जीके पढ़ो, जीके में इंटरेस्ट आएगा, दुनिया के बारे में जानोगे, ऑन ये वर्बल पढ़ो पढ़ रहे हो ग्रामर अच्छा होगा, एलआर पढ़ रहे हो लॉजिक अच्छा होगा, क्वांट पढ़ रहे हो क्वांट अच्छा होगा सब। तो सीमेंट क्या है, कैट का ही छोटा रूप है ना, सीमेंट इज व्हाट, जस्ट अ स्मॉल लाइक कैट श्रिंक। ओके, सब कुछ कैट वाला ही है, बस उसका थोड़ा कम लेवल का है, ये है सीमेंट एज आई सेड राइट है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ोगे। ओके, कहां थे हम लोग, सीमेंट इधर जीके के लिए आया हूँ, तभी जीके के लिए ठीक है, जीके तो ये लोग पढ़ेंगे आराम से, तो पूरा फुल फ्लो स्टार्ट करेंगे जीके, जून से स्टार्ट करेंगे जीके, मई जून से, अभी अप्रैल चल रहा है, जून से स्टार्ट करेंगे जीके, कैट 23 वालों के लिए लास्ट का 6 मंथ्स का इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर वगैरह। ओके, पढ़ लो, पढ़ना तो इंटरेस्ट होने को दिक्कत नहीं है। तो खैर अब देखोगे यहाँ पे तो 40 खैर तो देखोगे यहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चन ये हैं, इस 40 क्वेश्चन से इन दोनों को मिला के इस पर टारगेट करना है, हाई टारगेट करना है यहाँ पे ठीक है, तब 30 कम से कम टारगेट करना है यहाँ पे ठीक है। सीमेंट एक्सपेक्टेड डेट आई थिंक 9 अप्रैल को होना चाहिए, अब पता नहीं यार, ऐसे तो कोई हम जब हम लोग बस गेस ही मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है ना, 9 अप्रैल होना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गया है नोटिफिकेशन, अब पता नहीं अगर और डिले होता है तो होता है ठीक है। सो विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंडिया। तो ये क्या होता है बेसिकली, इंडिया ने काफी अच्छा काम किया रिसेंटली 5G में, India has worked really good in 5G. So in fact, 5G network में India में 350 plus cities में इसका connection चला गया है, ठीक है 5G का। तो 5G काफी तेजी से India expand कर रहा है, fastest कर रहा है world में, one of the fastest, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको GSM में government award मिला है, leadership award, that is mobile, इसको बोलते हैं MWC award बोलते हैं, mobile world congress, ठीक है, world level का award होता है, international level का, okay। मॉक मेरे को सीमेंट के लिए मॉक कोई बनाता नहीं है, सीमेंट में कैट के अनयूज क्वेश्चन रहते हैं ठीक है, तो बस कैट, अगर तुमने कैट के लिए सही से पढ़ा होगा तो सीमेंट ऐसे कर लोगे, कैट के तुमने क्वांट सही से पढ़ा होगा ना, सीमेंट का क्वांट बिल्कुल तुम्हें बहुत इजी लगेगा तुम्हें। ओके, ये देखो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर रिसेंटली हुए हो तो मार्च 1 वन को हम सिविल अकाउंट डे ऑब्जर्व करते हैं। सिविल अकाउंट डे क्या है बेसिकली, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS इज इन फॉर्म हुआ था, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस इज इन ICAS फॉर्म हुआ था मार्च 1 में, इसीलिए उसको इस दिन उसको ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, कैसे याद नहीं रखना है, मार्च 1 इज सिविल अकाउंट डे। कुछ कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट है लास्ट के 5-6 मंथ में आप ये याद रख सकते हो ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल 12 जनवरी को ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूथ डे, ये काफी एग्जाम में आता है, तो 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल यूथ डे ठीक है। इस दिन विवेकानंद का बर्थडे था ठीक है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी था इस दिन, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे था कब, 12 जनवरी को ठीक है। बट इसको पता है वर्ल्ड कब ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड इसको ये इंडिया में होता है ठीक है, वर्ल्ड इसको ऑब्जर्व करता है 12th अगस्त को। ओके, तो 12th अगस्त को वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड यूथ डे। ओके, हमने इनको विवेकानंद के बर्थडे दिन बनाते इसलिए हम लोग ठीक है, 12th ये जा रहा है, एग्जाम में आता है कंफ्यूजिंग होता है, 12th अगस्त इज वर्ल्ड यूथ डे, 12 जनवरी इज नेशनल यूथ डे ठीक है।
तो ये एक हम लोग चीजें याद रखते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट इस टाइम में इम्पोर्टेंट डेट वो भी है 15 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है हमारा, इंडियन आर्मी डे, ठीक है। तो ये होता है 15 जनवरी को। तो बताइए 30 जनवरी को क्या होता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है ना, गांधी जी का इस दिन असैसिनेशन हुआ था, तो इसको बोलते हैं शहीद दिवस या मार्टिर्स डे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मार्टिर्स डे ये तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो आ सकता है, ठीक है। क्या लगता है 14th February इज वैलेंटाइन डे, ये तुमको पता ही होगा, ये भी आ सकता है, नहीं आया तो तभी ताकि तो गई है। ओके ओके, तो ये सब थोड़ा डेट ना याद रखने इन डेट्स को। करंट अफेयर लास्ट के 6 months का और उससे कनेक्टिंग स्टैटिक जीके का पॉइंट। ओके, व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट? मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट इसको कौन रिलीज किया? देखो ये रिपोर्ट्स ना, ये जो रिपोर्ट है अभी हमें आप लोगों को बताया कि अभी हम लोग कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को डिक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी इस रिपोर्ट पे काफी हो हल्ला हुआ था, बिकॉज ये रिपोर्ट जो देता है दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी देता है इसको, ठीक है। सो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी गिव्स दिस रिपोर्ट हियर। तो एक्चुअली इस पे हल्ला इसलिए हुआ था क्योंकि लास्ट ईयर से जब कंपेयर किया गया ना, तो जितने भी कंपनी है जो बनाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स बनाने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, इन कंपनी का जो लास्ट ईयर का डेटा, जितना एटमॉस्फेयर में जितना मीथेन रिलीज हुआ था, ठीक है। सो मीथेन जब लोग बनाते हैं फॉसिल फ्यूल ना, तो मीथेन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जितना मीथेन लास्ट ईयर रिलीज हुआ था ऑलमोस्ट उतना ही इस बार भी हुआ। तो बेसिकली इन कंपनीज ने कोई भी स्टेप नहीं लिया कि अपने हम मीथेन के, मीथेन इज वेरी हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर, राइट, तो हम मीथेन के यूज को कम करें, डिक्रीज करें, इन कंपनीज ने कोई भी एफर्ट नहीं लिया, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल एजेंसी बोला है। अब इस रिपोर्ट के बाद ना बहुत सारी कंपनीज को आईईए होता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, आईईए होता है, ओके। और इंटरनेशनल और IAEA क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी होता है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दोनों अलग अलग चीज है, दैट इज ओनली वर्किंग ऑन एटॉमिक एनर्जी। ये क्या है? नॉर्मल सारी एनर्जीज पे वर्क करते हैं एटमॉस्फेयर पे, ओके। तो इसलिए कुछ काफी कंपनीज को नोटिस वगैरह दिया जाएगा इसी काम के लिए, क्योंकि भाई आपका मिथेन रिलीज नहीं हो रहा है, मिथेन वाला आपने कुछ वर्क नहीं किया है इस पे, ओके फाइन। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव वेलोशिप स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली is associated with which field? ठीक है, अभी गवर्नमेंट किस, अभी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बताओ किसमें? देखो ये क्या है ना, ये बेसिकली ये रिसर्च में है एक्चुअली। अभी 28 ये डेट याद रखते, तो 28 February को हमारा होता है नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो 28 February इज नेशनल साइंस डे, तो नेशनल साइंस डे के दिन, नेशनल साइंस डे के दिन ये गवर्नमेंट ने ये वैभव फेलोशिप स्कीम दी, इसके इसमें इनको स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप किसको देंगे? कि अगर कोई इंडियन यूनिवर्सिटीज है, वो वर्ल्ड के जो अदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ अगर वो चाहते हैं कोलैबोरेट करना, किस तरीके से कोलैबोरेट करना, हाँ, और मिलके काम करना, मिलके रिसर्च करना, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उसके लिए फेलोशिप देगी, स्कॉलरशिप देगी, ओके। तो ये सब तुम्हारा फंड होता है। वैभव स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च किया रिसेंटली, कब लॉन्च किया है? 28 February को नेशनल साइंस डे के दिन, ओके। Next of all, a 1300-year-old Buddhist stupa has been found recently unearthed in which state? You should know, just for knowledge. Just for knowledge.
देखो इसका आंसर उड़ीसा है। तो बेसिकली अभी ना उड़ीसा में तुमको पता होना चाहिए उड़ीसा में क्या हो रहा है। उड़ीसा में ना पुरी है, जो पुरी सिटी है ना, पुरी को लोग जो बना रहे हैं, पुरी को लोग बना रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना रहे हैं पुरी को। सो दे आर मेकिंग पुरी एज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। पुरी में बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, पुरी में बहुत सारे पुरी के बीचेस है ना, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, बीच रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टूरिज्म को काफी इंक्रीज किया जा रहा है पुरी में। तो जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पुरी को बनाया जा रहा है, इसी में वो चल रहा है, ठीक है। अब माइनिंग चल रहा है आपका, जमीन का खुदाई चल रहा है अर्थ में, ओके। तो उसी में ये एक 1300 ओल्ड ईयर बुद्धिस्ट का एक स्टैचू मिला है, स्टूपा मिला है। 1300 से लोगों ने बोला कि 1300 ईयर पुराना है, जिसको अब इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी स्टडी करेगा, स्टडी की व्हाट इज द इशू, मतलब कैसे इतना पुराना उस समय, और बुद्धा का और नई नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। सो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बैन टिकटॉक फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट इशू मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, अब रिसेंटली किस कंट्री में बैन हुआ है? तो टिकटॉक कनाडा में बैन हो चुका है, ओके। सो गवर्नमेंट इज नॉट लाइकिंग टू मेनी वीडियोस, टू मेनी पीपल टेकिंग रिस्क फॉर लाइक्स एंड ऑल, ठीक है। तो टिकटॉक इज बैन इन कनाडा दीज डेज, इसके पहले यूएस में और यूरोप में बैन हो चुका है टिकटॉक, बैन ही हो जाएगा सब जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री लिफ्टेड द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2023? बताओ, अभी तभी तो हुआ है जस्ट मैच। ठीक है, ये इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हुआ था, ठीक है, एंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया वन द टूर्नामेंट, वन द टी20। से इंडिया यहाँ पे सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया से हार के, ओके। तो देखो यहाँ जब ना क्रिकेट का क्वेश्चन कभी आता है, अभी काफी आजकल ना काफी ये चल रहा है, विमेन्स का WPL चल रहा है, विमेन प्रीमियर लीग चल रहा है, ठीक है। आईसीसी में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जस्ट लास्ट मंथ हुआ था अभी। तो ना इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके, यस। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ ऑफ बीट, जो ये लोग कुछ ना कुछ ऑफ बीट प्लेयर्स डाल देते हैं लोग। तो ऑफ बीट प्लेयर का मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे जो बहुत फेमस प्लेयर नहीं है, और वो पूछ देते हैं कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है ना। एक बार इसलिए एक बार ना इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का एक बार लिस्ट देख लेना, ठीक है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का एक बार लिस्ट देख लेना कि जो जो लोग वर्ल्ड कप जो जो लोग ना एटलीस्ट वर्ल्ड कप खेले थे सेमीफाइनल में, ठीक है, ये लोग का नाम आ सकता है कि ये किस स्पोर्ट से तो आ गया। अब तुम पता ही नहीं ना बोले वैसे, यास्तिका भाटिया ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर है, ओके। शेफाली वर्मा किससे बिलोंग करती है, ठीक है, तो ये क्रिकेट से बिलोंग करती है। जैसे देखे ना तुमको एक बार ना जो टीम होगी सेमीफाइनल की, उस टीम को एक बार पढ़ लेना, वो टीम एक बार देख लेना, जस्ट रीड द टीम, कौन सा टीम है ये, ओके, रीड दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो सवाल क्या है, हु हैज टेकन द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो इतना ये हमारे लिए पॉइंट क्वेश्चन है, इसका आंसर राजेश मल्होत्रा है, बट ये हमारे लिए पॉइंट क्वेश्चन नहीं है, ओके। जस्ट थॉट सीएम ने डाल दिया, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस, ओके, इतना नाम नहीं आता। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट
Which state made the most progress in transition in clean electricity? ठीक है, तो किन स्टेट ने क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा काम किया, प्रोडक्ट बनाया, इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इनको इसके लिए रिकॉग्नाइज भी किया गया है इनको। यस, तो इसका आंसर है कर्नाटक एंड गुजरात। तो कर्नाटक एंड गुजरात आर वे अहेड ऑफ द अदर्स अदर ये स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी आजकल काम चल रहा है, और जितना कम आप कार्बन एमिशन करें, जितना कम इन्वायरमेंट को हार्म करें, उसके नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स में कर्नाटका एंड गुजरात आर डूइंग बेस्ट। ओके, तो कर्नाटका के सीएम हैं बसावा राज बोम्मई। ओके, और अभी कर्नाटका में मैं तुम लोग कल ही बता रहा था ना, कल क्लास में ही, तो यहाँ पे इंडिया का उडुपी में, कर्नाटका में उडुपी यहाँ का कोस्टल सिटी है। ठीक है, तो इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट मरीना बन रहा है, इंडियाज फर्स्ट मरीना, गुड, याद है, इंडिया का फर्स्ट मरीना बन रहा है। ठीक है, दैट इज मेड इन उडुपी इन कर्नाटका। ओके फाइन, गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल। ठीक है, सो भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। ठीक है, गुजरात में गिफ्ट सिटी, तुमको तो बताइए, गुजरात में आते रहते क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी गुजरात में, जैसे फाइनेंशियल टेक सिटी जो काफी काम कर रही है। ओके एंड बाकी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवेंस अपेलेट कमिटी? ग्रीवेंस अपेलेट कमिटी को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, ओके, वही है, बेसिकली क्या है कि ग्रीवेंस अपेलेट कमिटी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने किया है। अभी हमने पढ़ा कि इसके मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव है ना। सो बेसिकली ये जो हमारे मिनिस्टर, ये जो मिनिस्ट्री, ये जो ऐप है, ये ऐप बेसिकली क्या है, इंटरनेट के लिए, कि इंटरनेट में कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है, इंटरनेट को सेफ बनाने के लिए। ठीक है, इंटरनेट को ओपन बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए ये ऐप है, कि कोई ग्रीवांसेज है उसको इमीडिएटली सेटल किया जाएगा, कोई फ्रॉड हुआ है, हाँ, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई इश्यू है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिक्योर बनाने के लिए ये ऐप, ये कमिटी बनाई गई है। ठीक है, ग्रीवेंस जनरल कंप्लेंस है ना, तो कंप्लेन अपेलेट कमिटी। ओके, नेक्स्ट सवाल, व्हिच बैंक हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ सिटी ग्रुप्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक के मर्जर से क्वेश्चन है ये, तो किसने लिया है? ओके, इसका आंसर इज एक्सिस बैंक। तो आपको पता है कि सिटी बैंक ने अपना इंडिया में ऑपरेशंस बंद कर दिया है, तो सिटी बैंक के जितना भी ऑपरेशंस था, कस्टमर बेस था, सब किसने ले लिया? सबको एक्सिस बैंक ने ले लिया। ठीक है, सो एक्सिस बैंक हैज टेकन दैट। ओके, दैट्स इट, और कुछ काम करनी है इसमें, एक्सिस बैंक कोई मर्जर ना प्रेजेंटली नहीं। फाइन, नेक्स्ट सवाल, विच कंट्री अनाउंस द इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय? इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय, ये यूके में होता है। अभी अभी ना, अभी जस्ट क्या हुआ है, G20 का फॉरेन एफएमएम बोलते हैं इसको, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ठीक है, तो ये फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में दिल्ली में हुआ था, यही में बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने, यूके ने अनाउंस किया कि इंडिया पैसिफिक, इंडिया
यूके ने अनाउंस किया, ये अनाउंस किया कि इंडिया इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये यूके वर्क करेगा इंडिया इंडिया के टुवर्ड्स टू बिल्ड गुड टाइज, टू बिल्ड उसको क्या बोलते हो, रोड मैप बनाएगा कि इंडिया और यूके कैसे साथ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया यूके का क्या क्या कॉमन पॉइंट है, कहाँ का भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इंडिया और यूके ग्रो करने में, उसके लिए एक इनवाइट, इनवाइट क्या होता है, इनवाइट होता है एक मैसेंजर, ओके, एक डिप्लोमैट, ओके, तो दैट इज स्टेप टेकन बाय यूके इन दिस G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ओके. नेक्स्ट सवाल, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, जस्ट के बोला मैंने फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, अभी जस्ट मार्च में हुआ था, ठीक है, इन न्यू दिल्ली, छोड़ भाई, तो व्हिच कंट्री हैज बैंड यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज, अभी जस्ट हुआ है, बताओ किसने किया है, ओके, इसका आंसर रशिया है, ठीक है, तो रशिया ने बेसिकली क्या है कि रशिया ने यहाँ पे अपने फॉरेन वर्ड्स को क्या किया है, लैंग्वेज को बैन कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे फॉरेन अपना लैंग्वेज ये प्रोटेक्ट करेंगे और फॉरेन वर्ड्स को बैन करने का मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह में फॉरेन वर्ड यूज नहीं करेंगे, रशिया अपने वर्ड्स को यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया का अपना रशियन लैंग्वेज है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत हद तक इंग्लिश से और बहुत हद तक आपका ये फ्रेंच से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इन चीजों का, तो इसलिए वो अपने लैंग्वेज को क्या करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई दे हैव कंप्लीटली बैंड द यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स इन देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीवेयर, ओके, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, सविता हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, प्लीज विच स्पोर्ट, ये कौन सा स्पोर्ट खेलती है, ओके, तो ये खेलती है हॉकी, और अभी इन्होंने क्या किया था कि हॉकी में अभी इंडिया को जिताया था बिर्मिंघम में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2022 का, तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने इंडिया को जिताया था मेडल, ठीक है, सो इंडिया वन मेडल एंड सविता को मिला था, इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द अवार्ड, ध्यान रखना ऐसे आता है, बोला ना कोई नाम दे देंगे वो नाम इतना तुम्हारा फेमस नहीं होगा, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, ऐसा बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम में देख लो, जैसे जिन्होंने खेला था सेमीफाइनल वो सारे नाम को देख लेना, ये सविता है, ऐसे यहाँ पे विमेन किसको मिला था, इस टाइम पे स्पोर्ट्स विमेन थे ये, ठीक है, स्पोर्ट्स मैन किसको मिला था, स्पोर्ट्स मैन वॉज PR श्रीजेश, ये भी हॉकी टीम के प्लेयर है PR श्रीजेश, ठीक है, मिला था मैन ऑफ द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ओके, दोनों हॉकी खेलते हैं, PR श्रीजेश एंड सविता, ओके, विच टेनिस प्लेयर ब्रोक द स्टेफी ग्राफ रिकॉर्ड ऑफ लीडिंग द WTA रैंक फॉर 377 वीक्स, तो ग्राफ तो मुझे ग्राफ वाज यूज्ड टू प्ले लॉन टेनिस है ना, और इसको अभी ब्रेक कर दिया है किसने, सॉरी Yes, that is Novak Djokovic. So Novak Djokovic सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है, और सर्बिया के इस प्लेयर ने इन्होंने क्या किया है कि ये 378 वीक्स तक अब रैंक वन पे रह चुके हैं, ठीक है, इसके बाद हाईएस्ट रिकॉर्ड किसका था, 377 वीक्स का था स्टेफी ग्राफ का, ठीक है, she was also lawn tennis player, okay. तो मुझे इसमें क्वेश्चन आता है, हाँ, तो इसमें क्वेश्चन आता है जीके में ना कि जैसे ये विंबलडन, ये लॉन टेनिस के जो इसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, साल में चार ग्रैंड स्लैम इवेंट होते हैं, उनका ऑर्डर आता है करने के लिए, तो
जैसे क्या क्या होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, उसके बाद होता है विंबलडन, और फिर होता है यूएस ओपन, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको याद ही है ना, जैसे ये जनवरी में होता है, फिर ये मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है, तो जैन टू दिसंबर तक का ये ऑर्डर होता है, इसी ऑर्डर में हर साल होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तुमको ना चार ऑप्शन दे देंगे, लेफ्ट मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बता, तुमको अरेंज करना है, तो याद रखना बहुत ईजी है अपना, ए जस्ट अरेंज ऑल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए एफ डब्ल्यू यू, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, ए एफ और यू डब्ल्यू आएगा, तो जस्ट राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और यू और डब्ल्यू को एक्सचेंज कर दो, ऊपर डब्ल्यू कर दो नीचे यू कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, ए के बाद एफ आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रेंच ओपन, तो नीचे डबल ट्विस्ट कर दो, यू ऊपर आएगा डबल नीचे आ जाएगा, सो यू विंबलडन एंड देन यूएस ओपन, ठीक है। ये आपका ऑर्डर होता है इनका ग्रैंड स्लैम का, चारों का साल में इसी इवेंट में, इसी इवेंट में होता है, ओके नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आर एसोसिएटेड विद व्हिच इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन किसके साथ, इजी है ये तो, WHO, quite simple answer है, तो कुछ है नहीं इसमें, है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, जो भी बनता है रेगुलेशन बनता है वो WHO बनाता है, ठीक है। सॉरी, देखो अरीबाडा, अरीबाडा बहुत न्यूज में था, अरीबाडा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द मास नेस्टिंग ऑफ विच स्पीसीज, ठीक है, किसका है अरीबाडा, ये पॉइंट क्वेश्चन है। ये क्या है, हाँ, जिसका अंदर टर्टल है, ठीक है, तो टर्टल है, तो बेसिकली अरीबाडा बहुत आजकल चल रहा था कि बेसिकली उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने ना बहुत सारे अपने बीचेस पे फिशिंग को बैन कर दिया, ठीक है, फिशिंग को बैन इसलिए कर दिया क्योंकि इससे टर्टल लोग को हार्म पहुंच रहा था, ठीक है, और टर्टल्स को वहां पे हार्म पहुंच रहा था, और इनका जो मास नेस्टिंग है वो एक आध महीने पहले ही हो गया था, जो पहले हर साल क्या होता है अप्रैल में होता था या मार्च में होता था, ठीक है, वो अभी क्या हो गया, वो अभी आपका फरवरी में ही हो गया, ओके, तो इसलिए कुछ इनको एनवायरनमेंट को हार्म होता है, ओके। मास नेस्टिंग बेसिकली क्या होता है ना, कि जिसमें सारे टर्टल्स आ जाते हैं एक साथ बीच पे आ जाते हैं, ठीक है, सो ऑल द टर्टल्स विल कम, एक टाइम आता है अगर सारे टर्टल बीच पे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, और बीच पे आके दे ले देयर एग्स, है ना, और वहाँ बहुत छोटे टर्टल्स होते हैं उसके बाद, तो ये मास नेस्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, तो ये जो है बेसिकली हर साल होता था, इस बार एक साल पहले, एक महीना डेढ़ महीना पहले हो गया, तो इन लोगों को लगा कि कुछ इन्वायरमेंट को हार्म है ओशियन में, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, फिशिंग को बैन कर दिया, कि सर कोई इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हुई यहाँ पे, ओके, इसलिए भी न्यूज में था अभी बहुत अरीबाडा, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड राइज इन हार्ट रेट, अभी बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों है न्यूज में, ठीक है, मार्क कर लो इसको। ये अभी न्यूज में इसलिए है कि तुमको पता है कि अभी यूएस में बहुत कोविड फैला हुआ है ना, तो कोविड के बाद ना एक ये चल रहा है पॉड्स, एक बीमारी चल रही है बहुत लोगों, मतलब मोर देन 1 लाख पेशेंट हो चुके हैं उसके, ओके, पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम, ठीक है, पोस्टुरल ऑर्थो स्टैटिक, ओके, टैक कार्डियल, ओके,
टैकीकार्डिया ये आपका सिंड्रोम। तो ये जो है ना ये आपका बीमारी हो रहा है जो यूएस में बहुत लोग हैं ना, 1 लाख से जो ज्यादा लोग हैं वो यूएस में अफेक्टेड है किससे, कोविड से, जो अभी कोविड फैला हुआ है और कोविड के बाद बहुत लोग बीमारी हो जा रही है, ठीक है। पता नहीं कौन सा नया वायरस चल रहा है आजकल, इसलिए पॉट्स बहुत ज्यादा न्यूज में अभी, पॉट्स बीमारी। ओके तो ये यूएस में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडिया फिलंथ्रोपी रिपोर्ट 2023 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्ट्रा एटेनाइज टू सोशल सेक्टर डिक्लाइन बाई 5% After excluding donations of which personality? सबसे ज्यादा कौन डोनेट करता है? नहीं, बहुत हाई, ठीक है। अजीम प्रेम जी जो है ना बहुत, नहीं, सबसे लाइक हाईएस्ट, बहुत हाई अमाउंट डोनेट करते हैं ये अजीम प्रेम जी। ओके ये विप्रो के फाउंडर हैं, तो अजीम प्रेम जी इज फाउंडर ऑफ विप्रो। ओके तो अगर इनका अमाउंट हटा दिया जाए तो इंडिया फिलंथ्रोपी रिपोर्ट कौन देता है उसको, तो कंसल्टिंग कंपनी है बेन एंड कंपनी। तो बेन एंड कंपनी ये रिपोर्ट देती है, इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है ना अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल का, वो क्या है 5% डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, अगर हम अजीम प्रेम जी के डोनेशन हटा देंगे तो। ये रिपोर्ट ने लॉन्च किया। व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड द डेट फॉरगिवनेस प्लान टू स्टूडेंट्स एंड हाउसहोल्ड्स, ठीक है। ओके इसका आंसर यूएसए है। यूएसए में बेसिकली क्या है कि यूएसए एक प्लान लॉन्च किया है डेब्ट फॉरगिवनेस प्लान, ठीक है, जिनका जो वहाँ के लो इनकम लोग हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो वहाँ के हाउसहोल्ड्स हैं उनका इनकम एक सर्टेन अमाउंट से नीचे, तो उनका डेब्ट क्या हो रहा है, उनका डेब्ट माफ किया जा रहा है, लोन माफ किया जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये प्लान बनाया है यूएस ने। जनरली ये न्यूज में था कि यूएस जनरली इन जनरल ऐसा प्लान करता नहीं है, यूएस इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लोन एंड अक्यू डेवलप्ड कंट्री भी है। ओके बट इट इज वन ऑफ द रेयर सच प्लान जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ प्लान दिया है टू रिलीव द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स या स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो लोन में आते हैं, ठीक है, उन लोगों को हटाने के लिए। ओके उस डिसीजन की वजह से। सुशांत करते हैं यार, तो ऐसा टाइम पे कॉल करते हो कि मैं उसमें नहीं बिजी रहता, फ्री रहता हूँ। टिलिया डैम भी फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स कॉल्ड टिलिया एम्ब्रिड्स वर डिस्कवर्ड रिसेंटली इन व्हिच कंट्री, ठीक है, ये किस कंट्री में सब रजिस्टर हुआ था। इसका आंसर है रशिया। रशिया में फर्स्ट प्लांट मिला है, फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स कॉल्ड टेलिया डेम्बिडिस एंड वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीके का एक फॉसिल होता है ये, ठीक है, इसका कुछ मेडिसिनल यूज किया जाएगा, पता नहीं क्या किया जाएगा, बस नाम गंजा का नाम है, याद रखना रशिया। ओके हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में यूज भी किया गया था, हमारे पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का भी हो गया, ठीक है, इन जनरल यूज किया था और अभी ये जस्ट पार्लियामेंट में यूज हुआ था जब सेशन चल रहा है। ओके ये होता ये एक्चुअली सुप्रीम, अभी ना अभी क्या किया, अभी इसको वीप बोलते हैं, ठीक है, वीप। ओके नेम ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द पार्टी हु इज ऑथराइज्ड टू इशू डायरेक्शन इज कॉल्ड वीप। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अभी डिसीजन दिया है या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है
कि जो भी आपके जो भी हाउस के मेंबर्स हैं विधानसभा के, विधान परिषद से, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी ना व्हीप से बाउंडेड है। तो व्हीप से बाउंडेड होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि व्हीप से बाउंडेड होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सेक्शन ऑफ एमएलए है और वो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं जाना जा रहा है, जो जाना चाह रहा है, ठीक है, तो अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, दैट इज कॉल्ड व्हीप। ओके, तो ये बहुत सारी पार्टीज में चल रहा है आजकल। ओके, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया है कि जो भी ये आजकल ये इंटरनल हल्ला गुल्ला चल रहा है, ओके, तो अगर वो ओपनली सेशन में अगर अपने पार्टी अगेंस्ट जाते हैं तो उनको हम वीप, वीप, वो वीप से बाउंडेड होते हैं, ठीक है, भी अगर वीप से बाउंडेड नहीं रहेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। ओके ओके, नेक्स्ट वन, ओजेम्पिक। ओजेम्पिक व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज, ठीक है, ओजेम्पिक अभी न्यूज में था, बताओ किस चीज के लिए। अभी ओजेम्पिक ना काफी न्यूज में था, ओजेम्पिक एक ग्लोबल मेडिसिन है, ठीक है, ये डायबिटीज के लिए, इनफैक्ट हाई जिसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज के लिए ओजेम्पिक को ट्रीट किया जाए, ओजेम्पिक को यूज किया जा रहा था। ओजेम्पिक से क्या होता है ना कि वेट लॉस होता है यहाँ पे, ओके, तो वेट लॉस होता है और प्लस डायबिटीज ठीक होता है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि वो स्लो डाउन कर देता है कि जब प्रोसेस एट विच फूड इज लिविंग स्टोमिक, उसे वो स्लो डाउन कर देता है इस प्रोसेस को। ओके, तो इससे बट ये ना अभी क्या हो रहा है कि ये एक अभी वर्ल्ड लेवल पे इसका शॉर्टेज दिखाया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड में डायबिटिक के पेशेंट बहुत हाई हो गए, डायबिटीज के पेशेंट बहुत हाई हो गए हैं और इस मेडिसिन का काफी काफी क्रेज है मेडिसिन। ओके, इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या दिखाया जा रहा है, शॉर्टेज बन हो चुका है अभी। ओके, लॉट ऑफ कंपनीज विल मेक दिस स्लोली, इसको बनाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके, चलो फिर बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, काफी पॉइंट कवर कर लिया आज। ओके, सो जीके का ये सब धीरे पॉइंट एक बार सारा पीडीएफ एक बार इस पर, ठीक है, डाउनलोड दिस पीडीएफ, तो एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लेना, बस इतना में तुमको जीके याद रहेगा, ठीक है, सो रिमेंबर दैट जीके। ओके, सो उसको ये कर लेना। हाँ, मॉर्निंग में ना नंबर्स का क्लास लिया था, म्यूटेंट 625 1225 25 25 25 11 10 10 10। ओके, सो डाउनलोड दिस। I got 88 OBC and done with all the interview. I am looking for job internship. So should I start preparing for CAT 23 or wait? Start कर लो, parallel start कर लो, ठीक है, start करो, parallel prepare करो। Okay, वो तो चलता रहेगा, तो वो तो time लगेगा इन चीजों में। Okay, तो करते रहना वो। YT नहीं लिया था मैंने यार, YT में नहीं ले पाया था, और बहुत ना रात में बहुत देर तक काम हो गया रात में, उसके बाद ना ऑफिस में सुबह बने हजार क्लास भी लेटे स्टार्ट की, बस ऑफिस का कॉल था, लेट तक काम हो गया, फिर कॉल था मॉर्निंग में 9:30 से ही, तो वाईटी नहीं लेता, वाईटी लेता बताता हूँ वाईटी जब शेड्यूल करूंगा तो। ओके, तो ये स्टार्ट इसको ना पैरेलली स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट दिस पैरेलली। ओके चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं, चलो बाय, सी यू देन नेक्स्ट क्लास में। ओके।